हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे एंड खुश होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और ब्रांड नई वीडियो में जिसका नाम है पंपिंग सिमुलेटर 2। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में लगभग सारा ही कुछ यहां पे अपग्रेड कर चुका था। ये रहा हमारा वेयर हाउस और हमने यहाँ पर सेल्फ भी लगा दिया था और हमने यहाँ पर वेंडिंग मशीन को भी अपग्रेड कर दिया था। हमसे लास्ट वीडियो में एक अपग्रेड रहने को छूट गया था और वो है हमारा ये कार वाश। पता नहीं कैसे छूट गया यार, हमसे ध्यान ही बिल्कुल उतर गया इसके। तो हम इसे भी अपग्रेड कर देंगे और बाकी आज हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने सेटिंग्स में, मतलब अपनी वर्कर्स की सेटिंग में। और देखेंगे जितना भी हमारा बचा कुचा काम है हम उसे पूरा कर देंगे। हमें यहाँ भी नाम भी लिखना है और यहाँ भी नाम लिखेंगे। और गाइस, कुछ अपडेट आया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम उसे भी चेक करेंगे आज। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा पहला काम होता है, हमारे मार्केट को फुल रखना, जो कि पहले से ही फुल है। और हम अब तक कितना कट गए, 1000। यहाँ पे पहले गई कहाँ डेजी? डेजी कहाँ हो तुम? डेजी यहाँ है। और जो हमारा वेयर हाउस है वो अभी काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे अभी हमें अपने डेस्कटॉप को मूव करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि जगह बहुत कम है। और हम यहाँ पे सेल्फ कल मंगाए थे, हमने इसे लगाया नहीं, वो यहाँ पे रखा गया क्या? तो हम इसे लगा देते हैं पहले। ये कौन सा बिल आ रहा है बार बार यार? अच्छा, इलेक्ट्रिक का और वाटर का, इन दोनों के बिना तो हमारा काम ही अधूरा है। अरे रखो मत मैडम, निकाल के दो, हमें चाहिए। अरे जाओ, निकलो निकलो, तुम निकलो, तुम भी जाओ। ये तेरा जिम है क्या? जिम करने आई हो, रनिंग पे आई हो तुम? निकलो तुम यहाँ से, उठाना मत, कोई उठाएगा इसे मैं उठाऊँगा। हाँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक इधर है। निकलो भाई, उठाना मत। हाँ, हम इसे अपग्रेड भी कर देते हैं। और तो यहाँ लगेगा नहीं यार, ये मंगा के देख ले क्या क्या पता लग जाए। अरे आ जाओ, ये हो गया, ये भी हो गया। अब जो हमारा बचा कुछ सामान होगा वो आके यहाँ पे रख देगा। और ये तो खाली है तो हम मंगा देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं पहले अपना मार्केट का सामान। क्या था? कोल्ड ड्रिंक, वेंडिंग मशीन में लोग अक्सर ये सब पीते ही हैं। दूध तो कोई नहीं पीता होगा वेंडिंग मशीन से, अब तो हमारे पास है तो बढ़िया क्वांटिटी मंगा लेते हैं। बियर लोग पीते होंगे क्या इसमें? चलो अभी इतना देख लेते हैं। और गाइस, हम थोड़ा वर्कर की सेटिंग करने वाले हैं क्योंकि कुछ अजीब सा लगता है जब हमारा ये मैनेजर पूरा मनी कलेक्ट कर लेता है अपने काउंटर से। तो मुझे लगता है कि यार कुछ कलेक्ट ही नहीं हुआ, जैसे मैं अभी गया था कलेक्ट करने, इतना कम था यार, तो मुझे लगा कि इतनी कमाई हुई नहीं क्या। लेकिन ये जो है पूरा कलेक्ट करके रख लेता है, वो पैसे हम कलेक्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी फील आनी चाहिए अंदर से कि आज की अर्निंग इतनी हुई है। तो इसे हम सिर्फ $200 कर देते हैं और इसको भी हम आधा ही रख देते हैं। जो ये ऑर्डर करेगा वो 300% ही करेगा या पूरा ही, 520% कर देते हैं, ठीक है जाने दो इसको। और बाकी कुछ काम हम लोग के लिए छूटना चाहिए ना कि हम भी तो यहाँ पे कुछ करें, तो इसे भी हम 4 पे कर देते हैं। बाकी सामान तुम सब मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस भी फुल है और कोई बिल नहीं है। चलो हमारा एक काम यहाँ पे निपट गया। और गाइस, मुझे लगता है कि आने वाले अपडेट में ये वेयर हाउस भी हो सके तो अपग्रेड हो सके, क्योंकि बहुत छोटा है और यहाँ पे तो कुछ सामान बढ़िया से आएगा नहीं। हम सेल्फ मंगा के देखते हैं, क्या पता लग जाए। बॉक्स सेल्फ एक ही मंगाते हैं, देखते कितना लगेगा। ये लग गया तो ठीक है, नहीं दिए सेल कर देंगे, क्या दिक्कत है। और अब हम चलते अपने कार वाश की तरफ, हम इसे अपग्रेड कर देते हैं। बेचारा छूट गया था, बुरा मान गया होगा यार। ओ
ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में, इतना बड़ा हो गया यार ये। और अपग्रेड हो जाओ यार तुम धीरे से, नहीं हो गया। देख रहे हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये। गैस स्टेशन तो ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको फॉग जो इसको हटा देता हूँ, मुझे ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि इससे पूरा क्लियर व्यू नज़र आता है। फॉग भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे हम लोगों ने बहुत खेल लिया है, थोड़ा हम लोग इसका भी आनंद ले लिया जाए। बाकी हमारा क्या बचा, कुछ बचा, हाँ हम लोग यहाँ पर नाम लिखना चाह रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या नाम लिखे यार। अब बढ़िया दिख रहा है ये, आओ सनम जाओ सनम। बाकी हमें चेंज करना होगा तो बाद में चेंज कर देंगे, फिलहाल अभी हम यहीं रहने देते हैं। और यहाँ पर चीज़ हम यही लिख देते हैं वाशरूम, यहाँ पे क्या उठपटांग लिखे, वैसे कोई पढ़ने वाला तो है ही नहीं। तो गाइस हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है। बाकी ये जो चार जगह है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या नाम रखूँ, तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते तो सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और हम यहाँ इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए मेन दिखा रहा है, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं कि ये वुमेंस का टॉयलेट है, तो यहाँ पे सिर्फ वुमेंस आएंगी। और इसे भी चेंज कर देते हैं हम, वुमेन कर देते हैं, और इसे भी वुमेन कर देते हैं। वुमेन कर देते हैं, और और ये मेल वाला है तो हम इसमें मेन कर देते हैं हम इसे। और गाइस हमने यहाँ पे सभी का चेंज कर दिया है, तो हम देखते हैं कि कौन सा कौन कौन लोग कौन सा यूज करते हैं। है तो आखिर ये गेम ही करेगा तो अपना गेम बनती ही, फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। जाओ भाई बाथरूम जाओ। हाँ ये मोहतरमा वाशरूम जा रही हैं, देखते हैं किधर जा रही हैं ये। हाँ ये फीमेल वाले में जा रही हैं, और कोई जेंट्स, हाँ आप टॉयलेट जा रहे हैं, जाइए मोहतरमा, सॉरी भाई साहब, देखिए जरा आप किस में जाते हैं। हाँ तो ये भाई साहब मेल वाले में गए हैं, चलिए बढ़िया है। एक और लोग देख रहे थे किधर जाते हैं ये लोग। हाँ यार सब अपनी सही जगह जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 minutes later ये रहा हमारा वेयर हाउस। अरे कितना बड़ा बड़ा लिखा रहा है यार। तो रात होने से पहले गाइस हम लोग यहाँ पे सामान को ऑर्डर कर देते हैं, ये सब बल्क क्वांटिटी में करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब करने में तो मज़ा आता है इसमें। तो हम 100-100 पीस ऑर्डर कर दे रहे हैं, जिससे कि भरा भी रहे ख़त्म भी जल्दी ना हो, ज़्यादा नहीं करना भाई। तो मैं फटाफट से ऑर्डर कर देता हूँ इसे। तो गाइस हमने यहाँ 100-100 पीस सेलेक्ट कर लिया है, अब इसे ऑर्डर कर देते हैं। और हमारा ऑर्डर जो अमाउंट आ रहा है $14,981 ऑर्डर कर ही देते हैं, क्योंकि रात तो ही गई है कि हम ऑर्डर करेंगे तो नहीं आने वाला है, लेकिन वो मैनेजर करेगा तो आ जाता है, तो कोई बात नहीं चलता इतना। और हमारा यहाँ लगभग चीज़ खाली ही हो गया, तो हम चलते हैं अपने घर, क्योंकि हमें आज करनी है फैमिली प्लानिंग। तो गाइस चलते हैं घर की तरफ,
और एक भाई ने मुझे कमेंट करके भी बताया है कि मुझे क्या करना होगा, तो हम उसे ट्राई जरूर करेंगे। लेटर। तो ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ गए अपने घर की तरफ। यार इतना इतना खूबसूरत है ये कि देख के तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो हम लोग चलते हैं घर, और कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। और माता जी कैसी हैं आप? 98 लेवल हो गया आपका। मैं आपको पहले पूजा दे देता हूँ। माँ का ध्यान रखना ज़रूरी है हमें। तो ये क्यों खुला है? माता जी आराम करिए आप। तो हो गया गाइस, तो चलते हैं हम। एक फ्लावर अंदर ही है, कोई बात नहीं। सो मैडम जी लीजिए। More moments later. अरे भाई मैं तो फेल हो गया फिर से। ओहो गड़बड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, सुबह फिर ट्राई करेंगे। Next morning. सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या आप अभी लेंगी हमसे? हाँ जरूर लेंगी। तो ये रहा हमारा तोहफा, कबूल कीजिए। फाइनली Moments later. गाइस यू बिकम अ फादर। ये रहा हमारा नन्ना मुन्ना, क्या कहें अभी से। ओ भाई साहब क्या हैप्पीनेस 50। अरे भाई कहाँ चल दिए नन्हे मुन्ने? सुनो यार तुम छोटू। अच्छा ये कैंडी शायद इसी के लिए थी। लो बाबू, छोटू छोटू बाबू उठ जाओ यार, कैसे तुमको दे। खड़ा हो गया ये तो, ये खड़ा हो गया भाई, ये बैठता भी है कि। अरे यार लो छोटू, व्हाट डू यू वांट माय बेबी? हाँ इंगा इंगा इंगा, हाँ काल के है क्या तू? बाहुबली का हेयर इज कैंडी माय प्रिंसेस। अच्छा ये बेबी है, बेबा नहीं है, बेबी है। तो कितनी क्यूट लग रही हो यार तुम, बिल्कुल अपनी मॉमी पे गई हो। बस तुम्हारा रंग जो है वो ठीक है, तुम्हारा बाल का उसका एडिट किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यार तुम कहाँ सोफा के अंदर घुस गए यार? ये सोफा कोई दिक्कत तो नहीं करेगा यार? छोटू छोटी, छोटी नाम है ऐसे तुम्हारा, इसका नाम क्या रखे यार हम लोग? खैर अभी तो प्रिंसेस ही बुलाना पड़ता है। तो यार अब हमें पिल्स भी लाना होगा, फ्लावर भी लाना होगा। अच्छा ये एक ही बार मतलब होगा, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब एक बेबी होगी या और भी होंगे? कुछ आइडिया तो है नहीं, मैं चेक करूँ जरूर करूँगा एक बार। पिकअप सोफ़ा, हाँ यार निकल गया बाहर तू कि नहीं? इसी के ऊपर दब जाएगा बेचारा। निकलो यार तुम बाहर निकलो पहले। कितनी खुशी की बात है ये, मैं बाप बन गया। इसी बात पे एक काम करता हूँ मैं। क्या काम करूँ लेकिन यार? यार तू अंदर क्यों जा रहा है? तेरे को पकड़ मिला सकता हूँ यार, यहाँ पे नहीं ला सकता। बच्चे के साथ फोटो तेरा हो जाता है कि मजा आ जाता, ऐसे ही लेना पड़ेगा क्या यार? छोटी नन्नी मुन्नी मम्मी के पास जाओ, चलो तो फोटो लेना, एक फैमिली फोटो भी एक होनी चाहिए कि नहीं? छोटू एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है भाई, क्या ही बताया जाए। जैसे छोटे बच्चों को देख कितनी खुशी होती है, इतनी छोटी बच्ची को देख के खुशी हो रही है। अरे लेकिन तुम जाओ यार मम्मी के पास, थोड़ा फोटो खींच ले तुम्हारा। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्टेशन की तरफ, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्या पता बच्चा बाहर ना आ जाए। तो भाई चलते हैं आज स्टेशन पे, नहीं पहले बाजार चलते हैं। तो कहाँ जाना हमें यार? इतनी खुशी हूँ मैं भूल जा रहा हूँ कि मुझे क्या क्या सामान लेना है।
मुझे तो यहाँ सामान लेना था यार। चलो चलो, मेरी बेबी के लिए कुछ दे दो यार। 1 2 3 आ जा, मौसम है रंगीन। अरे तुम रंगीन हो भी है, बढ़िया गाना तुम्हारे पास सूट करता है। तो भी चला जाओ घर तुम। तो तुम भी 3 दे दो, तुम भी जाओ घर। सो गाइस, अब चलते हैं अपने स्टेशन की तरफ। गाइस, हम लोग आ गए अपने स्टेशन की तरफ, और जो हमने यहाँ पे सामान मंगाया था वो शायद चला गया। डीजल यहाँ क्लिक फेंका हुआ है, बस ये लोग आधा दूर काम करते हैं, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे रख दिया, बाकी मैनेजर तो काम कर ही रहा है हमारा धीरे धीरे। तो गाइस, आज की वीडियो बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुशी का कुछ थोड़ा माहौल कल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जरूर हम लोग। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।